बसपा एलएसबी गठबंधन ने शनिवार को दो टिकटों की ओर घोषणा करके यह दिखाने की कोशिश की कि बसपा एलएसबी गठबंधन को कमजोर न समझा जाए। बता दें कि कुरुक्षेत्र से शशि सैनी को एलएसबी कोटे से टिकट दी गई है, जबकि बसपा ने सिरसा से जनक अटवाल वाल्मीकि को टिकट देकर बड़ा सियासी दाव खेला है। लेकिन शनिवार को की गई घोषणा आबादी के नजरिए से दलित समाज में दूसरे नंबर पर आने वाली वाल्मीकि समाज को खुश करने की वजह प्रदान की है। जाहिर है, जनक अटवाल को टिकट देकर जहां बसपा एलएसबी गठबंधन ने भावी राजनीति के तेवर स्पष्ट कर दिए हैं, वहीं अशोक तंवर के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से वाल्मीकि समाज को अपना परंपरागत वोट मानती आई है, लेकिन इस समाज को संसद में पहुँचने का मौका नहीं दिया। जाहिर है, जनक अटवाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए मुश्किलें खड़े कर देने वाले हैं। जनक फतेहबाद के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पत्रकारिता से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। जाहिर तौर पर जनक सिरसा क्षेत्र के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में रहने के चलते जनक की व्यापक पहचान है। जाहिर तौर पर बसपा की इस टिकट ने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा रखी है। सिटी तहलका ब्यूरो रिपोर्ट। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.